क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन यादव। मोहन यादव जी, कहाँ से आए हैं? हम प्राथमिक विद्यालय नदीधर है मेरा, और वो बस्ती से आए। किस लिए आए हैं? प्रशिक्षण के लिए सर। ये कौन सा प्रशिक्षण? लर्निंग मैनेजमेंट का प्रशिक्षण जी। इसमें कुछ फॉर्मेट भी मिला होगा आप लोगों को? जी सर। किस फॉर्मेट पर आप काम किए? हिंदी विषय का उसमें फॉर्मेट भरना था जी। थोड़ा सा बतलाइए उनके बारे में। उनके बारे में कि आप विद्यालय में जाने के बाद बच्चों को जैसे साइलेंट करने के लिए आने की पहले क्या करना चाहिए जी? तो विद्यालय जाने के बाद बच्चों को पहले जाने के बाद उन लोगों को हम सिखाते हैं कि वो खड़ा हो जाएं शिक्षक के आने पर, उसके बाद उसको शांत करवाते हैं 2 मिनट। शांत कराने के बाद सर उन विषय वस्तु पर चलते हैं, जो भी विषय है हमारा फर्स्ट में हिंदी इंग्लिश गणित, उसको सर हम पाठ्य पुस्तक को लेकर पढ़ाते हैं जी। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर क्लास में 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में 80 बच्चा आपके बातों पर ध्यान दे रहा, और 20 बच्चा होता क्या है शरारती टाइप में, क्या पढ़ा रहे हैं तो कुछ फेंक दिया आपके ऊपर या गप सप करने लगा, तो उसके बारे में आप क्या मतलब है? कुछ मिला फेंक दिया, कुछ गप सप करने लगा, तो अक्सर बच्चा पीछे वाला ही करते हैं क्योंकि आगे टीचर रहते हैं तो डर से या तो यानी आपका मानना है कि जो पीछे बैठता उस तरह शरारती हाँ, कुछ बच्चा ऐसा होता है वो अक्सर ही पीछे बैठना चाहते हैं क्योंकि बदमाशी करना वो अच्छा मतलब उसको लगता है, तो उसको सर हर रोज बदलते हैं, पीछे वाला को आगे करते हैं कभी और आगे वाला पीछे करते हैं, और अगर वैसा नहीं हो तो फिर ज़्यादा बच्चा उन पर ग्रुपिंग में बैठाते हैं बाहर ले जाकर, क्योंकि स्कूल में संभव नहीं है, तो कुछ तेज बच्चा मीडियम बच्चा कमजोर बच्चा को उसमें डालते हैं ताकि कमजोर बच्चा तेज बच्चा के साथ आगे बढ़ने में जी मतलब उसको मदद मिलती है। आइए उनसे हम बात करवाते हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है। ये क्या सर मतलब कितने दिन का प्रशिक्षण चला? 5 दिवसीय है अधिगम प्रबंधन का जी। क्या सर इसमें सिखाया प्रशिक्षण में? इसमें जैसे अभी तक जो पहले हम लोग कर चुके थे वो विषयवार था, इसमें प्रबंधन का है कि कैसे बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और वहाँ पर उपलब्ध सामग्री जो है उसी के अनुसार कर सकें। तो बस इतना ही बतला है? हाँ, तो ये कार्यक्रम जैसे पार्ट वन चल रहा है अभी अधिगम प्रबंधन का, इसके बाद सुने कि दूसरी बार पार्ट टू भी होगा जी। ये कितना घंटा चलता है? ये है तो आवासीय का जी, आवासीय है, पूर्ण आवासीय इसका है, 10 से 4 क्लास चलता है। सर यहाँ प्रशिक्षण देने में आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं? ना कोई तकलीफ नहीं, बहुत सही का सर। इसलिए किया गया कि मतलब कि यहाँ के लोग अगल बगल के लोग टीचर हैं, अगर बीआरसी जाते हैं तो जाने बहुत मेहनत दिक्कत होता है यहाँ के 40 टीचर को, ऐसे हम अकेले आ गए, 2 टीचर आ गए हैं, हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे दिए, इस तरह से बहुत सुविधा हुआ और यहाँ लोग बहुत सहयोग करते हैं, यहाँ के जितने भी टीचर हैं पारा शिक्षक हैं फॉर्मल टीचर हैं एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं और विचार को आदर करते हैं। तो सर ये ब्लॉक लेवल पर मतलब 2 जगह बांटा गया है? हाँ, 2 जगह बीआरसी मोर है। क्या है सर ये? यहाँ का मतलब संकुल बेरमो 2 ऐसे नहीं बांटा गया, जहाँ पर सुविधा देखा गया कि जैसे पानी खाना पीना की व्यवस्था सुविधा होना चाहिए। तो आज तो सर मतलब लास्ट है, आज का बेच का लास्ट नहीं है जी। धन्यवाद। जी अभी अभी आपको प्रशिक्षण देने वालों से मिल रहा है, तो कुरपनिया से अखिलेश कुमार, बिरमो ऑनलाइन.com जी। धन्यवाद।